फेवरेट चैनल नेटफ्लिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे आयनिक क्रिस्टल्स कौन कौन से हैं। तो जनरली जो हमारे एग्जाम्स पूछे जाते हैं वही आयनिक क्रिस्टल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दो तीन एक्सप्लोर करवा देने वाली हूँ आपको। तो जैसे कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको आयनिक क्रिस्टल के डायरेक्ट आपको बता सकता है कि वो आयनिक क्रिस्टल कौन से, जैसे NaCl है तो आपको डायरेक्टली NaCl बोल सकता है, या उसके कॉमन नेम से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि रॉक सॉल्ट, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि है ना एक रॉक सॉल्ट है उसके अंदर जो कटायन है, आपको ये भी नहीं बताएगा ताकि आपको पता नहीं चले कि वो कौन सा है। तो आपको जो आपको इनका जनरल नेम है वो भी बताना चाहिए, और इनका फॉर्म आपको जो हम इनको जनरली जैसे NaCl हमने टेबल सॉल्ट बोल दिया, रॉक सॉल्ट बोल दिया, तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको पूछ लिया कि रॉक सॉल्ट है उसके अंदर जो कटायन है वो ऑक्टाइडल वर्ड में प्रेजेंट है, आपको पता ही नहीं आपकी कटायन कौन सा है अनायन कौन सा है, तो यू शुड नो बोथ द थिंग्स, ओके, फॉर्मुला आल्सो एंड रॉक इसका जो कॉमन नेम है वो भी आपको बताना चाहिए, ठीक है ना। तो NaCl जिसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसके अंदर जो क्लोरीन है, ठीक है ना, जो क्लोरीन है वो CCB पैकिंग बनाता है, मतलब वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है, और जो Na है वो ऑल ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है कि फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। सोचो मैंने आपको क्वेश्चन दिया रॉक सॉल्ट के नाम से, बोला कटायन जो है वो ऑल ऑक्टाहीड्रल वॉइड में प्रेजेंट है और अनायन जो है वो आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें लास्ट लेक्चर के अंदर दिखा था, अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग है तो उसका यूनिट सेल क्या होगा, FCC। FCC के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे जो एटम्स है, एक तो कॉर्नर्स पे और एक फेस पे, ठीक है ना। तो मेरा जो Cl है, Cl नेगेटिव है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मैं देखती हूँ एक तो मेरे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और टोटल कॉर्नर कितने हैं 8, तो 1/8 × 8, ठीक है, प्लस मेरे सारे फेस पे प्रेजेंट होता है, फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/2 × फेस कितने हैं 6, तो मेरा Cl कितना हो गया 1+3 दैट इज 4, ठीक है। तो मेरा Cl आ गया, Cl नेगेटिव मेरा आ गया 4, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ जो मेरा Na है उसने सारे ऑक्टाहीड्रल वॉइड कवर कर रखे हैं, तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड FCC के अंदर मेरे पास कितने ऑक्टाहीड्रल वॉइड थे, याद कीजिए 4 ऑक्टाहीड्रल कितने हैं, 4 ऑक्टाहीड्रल वॉइड है, तो मेरे Na क्या हो गया 4। तो अब मेरे को क्या लिखना है, ऐसा फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड का, तो मेरा आया क्या ये Na4Cl4। तो क्या मेरा जो टेबल सॉल्ट अगर रॉक सॉल्ट जो होता है उसको मैं Na4Cl4 बोलती हूँ कभी, नहीं ना, मैं उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालूंगी उसका फॉर्मूला देखने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 4NaCl, ठीक है, 4 को कॉमन ले लिया 4NaCl, तो इसका NaCl तो क्या हो गया फॉर्मूला, और 4 इसका हो गया फॉर्मूला यूनिट, 4 क्या हो गया फॉर्मूला यूनिट हो गया, तो NaCl तो इसका फॉर्मूला हो गया, और जो 4 मैंने कॉमन निकाला है वो फॉर्मूला यूनिट है। फॉर्मूला यूनिट कुछ नहीं, आपको ये बताता है कि उस यूनिट सेल के अंदर कितना कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब NaCl का जो यूनिट सेल है उसके अंदर 4NaCl प्रेजेंट है, ठीक है ना, ऑल टोटल सारा मिला के 4NaCl प्रेजेंट है, ये आपको फॉर्मूला यूनिट बताता है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने के लिए आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na, अगर आपको पूछे रॉक सॉल्ट के अंदर Na का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो मुझे पता है Na कहाँ प्रेजेंट है मेरे ऑल ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स के अंदर, और मेरा अगर Na ऑक्टाहीड्रल वॉइड की जगह प्रेजेंट है तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ करता था, मेरा ऑक्टाहीड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ करता था ना। तो मैंने क्या बताया था कि अगर मेरा जो वॉइड है उसके अंदर कोई एटम प्रेजेंट होगा तो मेरा वॉइड और उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, क्योंकि वो एटम जो है वो उस वॉइड में प्रेजेंट है, तो मेरे ऑक्टाहीड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na क्या होगा 6। अब आपको पूछ रहे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव क्या होगा, NaCl के अंदर NaCl क्रिस्टल के अंदर Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक ट्रिक, एक फॉर्मूला दिया गया है जो रिलेटेड होता है चार्ज रेशियो से, क्या बोल रही मैं, चार्ज रेशियो से रिलेटेड होता है। अब ये क्या है एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, यहां बता दिया अभी मैं। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस आपको पता है NaCl है ये आपका Na एंड Cl, तो उसके अंदर आपका NaCl के अंदर चार्ज रेशियो क्या होगा, चार्ज रेशियो, अब मुझे पता है Na क्या है प्लस और Cl नेगेटिव, तो इस चार्ज रेशियो का सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हम, तो Na प्लस है तो मतलब चार्ज का क्या है 1 है, प्लस 1 है, और Cl नेगेटिव क्या है -1 है,
तो अगर मैग्नीट्यूड देखें तो 1:1 का रेशियो हो गया चार्ज रेशियो। तो अब जो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा ना वो मेरे चार्ज रेशियो के इक्वल होगा, मतलब इक्वल इन सेंस इसका रेशियो इसके रेशियो को अगर जब इक्वेट करूंगी तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएल नेगेटिव आ जाएगा। कैसे? मुझे पता है मेरा जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनए प्लस है वो कितना है, 6 है, और मुझे एक्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएल नेगेटिव निकालना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं, कैसे कैलकुलेट करूंगी, 1:1 चार्ज रेशियो इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो करूंगी मैं, तो उससे मेरा एक्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 6/x। तो मेरा एक्स क्या आ गया 6। तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या आ गया 6। किसकी हेल्प से निकाला मैंने, ये चार्ज रेशियो की हेल्प से निकाला, ठीक है ना, ये हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं आयनिक क्रिस्टल आपका, सेकंड आयनिक क्रिस्टल है ये इसका है, ठीक है ना। सेकेंड आयनिक क्रिस्टल जो है वो हम देख रहे हैं CaF2। CaF2 के अंदर CaF2 का आपको जनरल नेम जो है उसको फ्लोराइड बोलते हैं, CaF2 मीन्स फ्लोराइड, ठीक है ना। इसके अंदर अब देखिए इसके अंदर जो कैटायन है वो पैकिंग बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो Ca है वो बड़ा है साइज के अंदर, इसलिए वो पैकिंग बना रहा है। तो मैंने आपको बताया था जनरली अनायंस पैकिंग बनाते हैं, बट अगर आपका कैटायन का साइज बड़ा होगा तो वो भी पैकिंग बना सकता है। इसलिए मैंने रेडियस रेशियो के अंदर कभी ये नहीं बोला है कि कैटायन इज टू अनायन का रेशियो है, वो स्मॉलर आयन के रेडियस इज टू लार्जर आयन के रेडियस का रेशियो है वो, ठीक है ना। तो आपका अब यहाँ पे जो CaF2 है उसमें Ca2+ जो है वो CCP पैकिंग बना रहा है, और F नेगेटिव जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का बना रखा है। सो व्हाट डज इट मीन, देख लेते हैं हम। तो CaF2 के अंदर अब CCP पैकिंग बना रहा है, तो मेरा जो यूनिट सेल है वो FCC है। कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, Ca2+ 1/8 × 8, 1/8 क्योंकि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, FCC के अंदर कॉर्नर्स एंड फेस पे प्रेजेंट होता है, 1/2 × 6 फेजेस है, तो कितना आ गया Ca4 आ गया, ठीक है। F नेगेटिव, अब मुझे पता है कि मेरे ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड FCC के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 थे, तो अगर n मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो 2n मेरे टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए 8, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं देखूं Ca4F8, तो इसका सिंपलेस्ट होल रेशियो क्या जाएगा Ca F2, यही होगा Ca F2 इसका वो हो गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और इसका वो क्या हो गया फॉर्मूला यूनिट 2, इसकी फॉर्मूला यूनिट कितनी हो गई 2, ठीक है, 2 नहीं बेटा 4, फॉर्मूला यूनिट कितनी होगी 4, ठीक है ना, फॉर्मूला यूनिट इसकी 4 हो गई। अब मैं देख रही हूं कि अब मुझे इसका निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F क्या होगा, F नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मेरा, क्योंकि मेरे ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है F, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो अब मुझे CA का कोऑर्डिनेशन निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, तो वो मैं कैसे करूंगी चार्ज से करें, तो Ca F2 है, ठीक है ना। तो अब मुझे पता है चार्ज रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, इसके अंदर CA क्या है, Ca+2 है, तो +2 Ca+2, प्लस नहीं लगाना है सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो 2, और F क्या है 1, 2:1 का चार्ज रेशियो है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा, CA का निकालना है X इज टू फ्लोरीन मेरे टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है 4, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मुझे पता है, तो अब मेरा हो जाएगा 2/1 चार्ज रेशियो को हम इक्वल कर देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो के, X/4, तो मेरा X क्या आ गया 8, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ क्या है इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर FCC के अंदर, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ क्या है 8, और वही फ्लोरीन क्या है 4। ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैंने NaCl बता दिया, CaF2 बता दिया, अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। अब आप लोग मुझे इन चार के Na2O जिसको मैं एंटी फ्लोराइड बोलती हूँ, CaCl जिसको मैंने सीजियम क्लोराइड बोला, और ZnS, इन तीनों के मुझे आप लोग
फॉर्मुला एक तो निकाल के बताएंगे कि क्या फॉर्मुला आएंगे और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि Na2O का जो आपको फॉर्मुला यूनिट क्या होगा उसका और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर Na का और O का, ठीक है ना। O2- का कोऑर्डिनेशन बताएंगे, सीजियम क्लोराइड के अंदर आप बताएंगे फॉर्मुला यूनिट और कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियोस। बिल्कुल जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया है वैसे ही आपको ये कैलकुलेट करना है। जो ZNS होता है वो दो टाइप के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक तो जिंक ब्लेंड के टाइप में और एक वुडजाइट के, ठीक है ना, इसको वुडजाइट बोलते हैं। तो एक तो ब्लेंड जिंक ब्लेंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसका क्रिस्टल होता है, एक तो जिंक ब्लेंड होता है जिसके अंदर जो S2- होता है वो CCP पैकिंग बनाता है ब्लेंड के अंदर, और जो हमारा कटायन होता है वो हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, नॉट ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब CCP है तो CCP के अंदर मेरे क्या हो गया जो यूनिट सेल है वो क्या है, FCC, और तो फिर मेरा हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहा हूँ। FCC के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8। अब हाफ बोली तो मतलब कितना हो गया, 4। तो जिंक जो है वो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो आप मुझे ब्लेंड का और वुडजाइट के अंदर क्या होता है, जो S2- होता है वो HCP पैकिंग बनाता है, यहाँ पे ये CCP पैकिंग बनाता है, ये HCP पैकिंग बनाता है। तो आप लोग मुझे इसका फॉर्मुला यूनिट और कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। हमने ये डिस्कस कर लिया, अब हम देख लेते हैं डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो देखेंगे डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। तो मैं NaCl का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, उसी के हिसाब से आपको जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स होंगे आपको इजीली आ जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछने की डेंसिटी निकालिए NaCl क्रिस्टल का और आपको सारा डेटा दिया हुआ है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे पता है NaCl जो है उसके अंदर, मैं 2D का ले रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। NaCl के अंदर मेरे क्या था, Cl नेगेटिव CCP पैकिंग बना रहे थे, तो मेरे सोचो Cl को मैंने अनायंस को मैंने ग्रीन उससे मार्क कर रही हूँ मैं, तो मेरे CCP के अंदर एक तो मेरे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे आयंस और एक फेस पे, तो ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और ये फेस पे प्रेजेंट है। ओहो ठीक है, एक तो मेरा Cl कहाँ प्रेजेंट है, फेस पे, और मेरे कॉर्नर से प्रेजेंट है, और मुझे पता है मेरा जो Na है वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरे कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे, FCC के अंदर मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे, मेरे पास टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट थे जिसमें से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो कहाँ था, बॉडी सेंटर पे, और बाकी ये 3 जो थे वो कहाँ, एजेस पे प्रेजेंट थे। तो मतलब मेरे Na जो है वो एजेस के बीच में ये जो वॉइड दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे Na प्रेजेंट है, ये मेरे Na के एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसको टच कर रहे हैं मिडल वाले को भी, ठीक है, ये है मेरा, ये क्लोरीन के एटम्स है और आयंस है और ये Na है। तो ये मेरा एक, मैं अगर 2D के अंदर अगर अपना NaCl के क्रिस्टल बताऊं तो वो एक फेस मेरा ऐसा दिखेगा। तो Na जो है वो एज के ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि एज वाले मान लिए मैंने, और जो मेरी पैकिंग है वो मेरी क्लोरीन जो है वो मेरे कॉर्नर्स ऑफ फेस ऑफ प्रेजेंट है क्योंकि मेरी CCP पैकिंग बना रहे हैं। अब डेंसिटी क्या बोलती हूँ मैं, डेंसिटी क्या होती है मेरी, डेंसिटी इज मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब NaCl की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो क्या हो गया कि क्यूबिक है, CCP है, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो क्यूबिक ही है, तो वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, A³, जो भी आपको एच लेंथ दी हुई होगी उसका क्यूब, ठीक है ना। अब मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल हम कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा। सो मास ऑफ यूनिट सेल अगर मैं निकालू तो मास ऑफ यूनिट सेल को मैं क्या बोलती थी, मास ऑफ यूनिट सेल बोलती थी Z×M/Na। ये क्या बताता था, Z तो नंबर ऑफ एटम्स बताता था और हमारा M/Na क्या था, हमारा मोलर मास, कोई भी हमारा एटम दिया हुआ है, यहाँ पे हम आयन्स की बात कर रहे हैं तो आयन का मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो अब NaCl की बात करते हैं, हम NaCl की बात करते हैं, तो उसमें अगर मैं Na लू, ठीक है ना, Na का लू, Na का मोलर मास कितना था, 23 डिवाइडेड बाय Na, ठीक है, ये मुझे पता है एक Na+ का
ये है मेरा क्या बोलते हैं मेरा मास ऑफ 1 Na प्लस आयन। वही अगर मैं Cl नेगेटिव की बात करूं तो Cl नेगेटिव Cl का मोलर मास कितना होता है 35.5 डिवाइडेड बाय Na डिवाइडेड बाय Na, तो मेरे ये आ गया एक Cl का और ये एक Na का मास वो आ गया, ठीक है ना। अब वो Z क्या है, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अब ये मेरा M by Na, तो मेरा ये सिर्फ Na का आया और ये Cl का आया, बट मुझे तो NaCl का चाहिए ना, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए, तो यूनिट सेल में तो पूरा NaCl प्रेजेंट है, तो मैं एक वर्ड यूज कर रही हूं फॉर्मूला मास एंड फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला मास एंड फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला मास और कुछ नहीं है, जो आपको पूरा फॉर्मूला है NaCl है, तो Na का मोलर मास और Cl के मोलर मास को जब मैं ऐड कर देती हूँ तो वो मेरा फॉर्मूला मास होता है। क्या बोल रही हूँ मैं, तो फॉर्मूला मास मेरा NaCl का क्या हो गया 23 + 35.5, ये मेरा फॉर्मूला मास हो गया, किसका NaCl का। तो जो मेरा मोलर मास है इंडिविजुअल मेरे एटम्स या आयन्स का, जब मैं उनको कंबाइन कर दूंगी जो फॉर्मूला बन रहा है, तो उससे मेरा वो फॉर्मूला मास आ जाएगा। और फॉर्मूला यूनिट कुछ नहीं है, फॉर्मूला यूनिट जो है वो है मेरा, जो फॉर्मूला यूनिट है वो जो मैं Z है, यहाँ पे जो Z है उसी को मैं फॉर्मूला यूनिट बोलती हूँ। मतलब फॉर्मूला यूनिट हमने अभी देखा था NaCl के अंदर फॉर्मूला यूनिट कितना आया था, मैंने आपको बताया था ये 4 NaCl था, तो फॉर्मूला यूनिट जो है वो यहाँ पे Z है। जैसे कि अभी 4 है तो 4 NaCl एक पर यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl थे, तो यहाँ पे जो Z है, वैसे हम Z क्या लेते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, पर जब हम कोई कंपाउंड क्रिस्टल की बात करते हैं, कोई आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो कोई कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला यूनिट होता है वो होता है Z, ठीक है ना। तो NaCl के लिए अब एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो NaCl के लिए मेरा डेंसिटी क्या हो जाएगा, Z क्या है 4 × 1/Na, तो कॉमन है, और ये फॉर्मूला मास कितना है 23 + 35.5 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो हमने ये देखिए कि जो ए क्यूब है, अब ए और आर का, क्योंकि अगर आपको रेडियस दे दिया तो ए और आर का रिलेशन आपको पता है एफसीसी के अंदर, एफसीसी के अंदर ए और आर का रिलेशन क्या था, ए और आर का रिलेशन क्या था, हमारी जो फेस डायगोनल है, अगर आप वहां से देखना चाहते तो पर एफसीसी के अंदर हमने जो ए और आर का रिलेशन निकाला था हमारा, वो था ए इज इक्वल्स टू 4R, क्योंकि हम यहां से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, फेस डायगोनल जरूरी नहीं है एफसीसी के अंदर हमारे, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मैंने अगर सोची इसको A माना है, ठीक है ना, इन पॉइंट से, तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, मेरे R एक क्लोरीन एटम के 2R दिख रहे हैं मुझे, तो मैं A को क्या लिख सकती हूँ, A इक्वल्स टू 2R ऑफ 2 रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम प्लस 2R, ऐसे लिखते हैं 2R ऑफ क्लोरीन एटम प्लस एक बीच में पूरा एक Na का एटम प्रेजेंट है, तो इसका तो पूरा डायमीटर हो गया, तो दैट इज 2R, सो 2R ऑफ Na प्लस एटम, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, A क्या हो गया, A और R का रिलेशन क्या हो गया, A इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, R ऑफ Cl नेगेटिव प्लस R ऑफ Na प्लस, ठीक है। सो आपने A और R का रिलेशन देख लिया, तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।